गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट एस एस टी की बुक का ये आर बी एस सी सी बी एस सी एन सी आर टी सभी के लिए कॉमन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें से जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे देखिए चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो हम पूरा चैप्टर वन बाय वन लाइन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एक वीडियो में ये कम्प्लीट फिर भी नहीं हो पाएगा तो इसकी टू और थ्री वीडियोस हमें बनानी पड़ेंगी तो पहली वीडियो में आज मैं आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी उसमें आगे के टॉपिक्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगी टू वीडियो में कंप्लीट करने की नहीं होती है तो थ्री वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में तो द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एगर विच मीन फील्ड एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन तो ये टू लेटिन वर्ड से मिलके बना है एग्रीकल्चर एगर का मतलब होता है फील्ड मीन्स खेत और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन खेती करना उसमें तो एग्रीकल्चर मीन्स खेतों में कल्टिवेशन करना एग्रीकल्चर दस इज़ कल्टिवेशन ऑफ फील्ड और लैंड और एग्रीकल्चर फील्ड या लैंड का कल्टिवेशन है इन अ ब्रॉडर सेंस इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूज़फुल टू ह्यूम्स की अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में लेना चाहें तो साइंस ये जो है एक साइंस है प्लांट्स का और एनिमल्स का जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर इंडिकेट्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स एग्रीकल्चर में इंक्लूड है कल्टीवेशन लैंड का और ब्रीडिंग और मैनेजमेंट जो है ब्रीडिंग मीन्स होता है देखिए एक पौधे से कई पौधों का जन्म होना या फिर एनिमल्स है उसे एक एनिमल से अपने ही तरह के दूसरे एनिमल्स हैं वो जब जन्म देते हैं तो उसे ब्रीडिंग कहते हैं तो so, ब्रीडिंग का जो मैनेजमेंट है वो सीखा जाता है इसमें कल्टीवेशन का ऑफ़ क्रॉप्स एंड एनिमल्स हॉर्टिकल्चर हॉटस मीन्स गार्डन कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है एंड इज़ साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ये साइंस है एक तरह का वेजिटेबल्स फ्रूट्स और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं डेकोरेशन वाले वो प्लांट्स जो हैं उनके जो एग्रीकल्चर की ये ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंजिस्ट मेनली एक्टिविटीज़ दैट आर इजेंशियल इन इम्प्रूविंग द इन्वॉर्मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर शामिल हैं वो एक्टिविटी जो एजेंशियल होती हैं इन्वॉर्मेंट को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ़ प्लांट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और एनिमल्स और प्लांट्स की यूजफुलनेस को इम्प्रूव करना प्लांट्स तो पहले भी थे जब मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना सीखा था उससे पहले भी प्लांट्स थे लेकिन जो उसकी यूजफुलनेस थी उसे इम्प्रूव नहीं किया था उसने एनिमल्स भी होते थे लेकिन उन्हें वो यूज़ ही नहीं करता था तो इसको इम्प्रूव करना जो होता है वो एग्रीकल्चर में आता है टू तो इम्प्रूव द इन्वॉर्मेंट फॉर प्लांट्स एंड एन एनिमल्स द सॉयल इज़ प्रिपेयर फॉर देयर ग्रोथ इनको इम्प्रूव करने के लिए जो सॉइल है उसको इम्प्रूव किया जाता है प्रिपेयर किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए द फर्टिलाइज़र्स आर यूज और इसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं इसके लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स आर रिमूवड और किल्ड हार्मफुल जो इंसेक्ट होते हैं या फिर पेस्ट्स होते हैं उनको किल किया जाता है द फीड ऑफ द एनिमल्स एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ़ जो एनिमल्स हैं और उनका शेल्टर है उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ इम्प्रूव बाई ग्रोइंग सिलेक्टेड क्वालिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और जो यूजफुलनेस है प्लांट्स और एनिमल्स की उसको इम्प्रूव करने के लिए जो उनकी सिलेक्टेड क्वालिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की उनको यूज़ किया जाता है अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको यूज़ करते हैं वराइटी ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग और अच्छे जो सीड हैं वो काफ़ी डिपेंड करते हैं अच्छी क्रॉप उसके ऊपर तो उसके लिए जो गुड क्वालिटी के सीड हैं वो यूज़ किए जाते हैं हाई ब्रिड्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर टू इंक्रीज डेयर यल्ड और हाई ब्रिड जो अच्छी ब्रिड के अच्छी नस्ल के एनिमल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है जो उनकी यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड जहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं उसे फील्ड कहते हैं उस लैंड को इफ़ वी विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन अ ईयर वी कैन फाइंड फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ हम किसी भी सीजन में जाएँ फील्ड में तो हम देखेंगे कि फार्मर उस पर वेरियस एक्टिविटीज़ करता हुआ मिलता है लाइक रिपेयरिंग द सॉइल सोइंग द सीड एंड वाटरिंग द फील्ड वाटरिंग द फील्ड मीन्स होता है इरीगेशन सिंचाई करना Once the crops are ready, और मैच्योर जब क्रॉप uh, है फसल है वो मैच्योर हो जाती है पक जाती है द फार्मर्स हार्वेस्ट दैम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स फार्मर उसे हार्वेस्ट करता है और स्टोर कर लेता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट मीन्स उनको uh, जो बेचना होता है वो काम में ले लेता है ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज और ये सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आती है इफ़ यू हैव एवर सीन अ ट्रैक्टर इन अ फील्ड यू हैव सीन वन ऑफ मोस्ट कॉमन मशीन्स यूज बाय फार्मर इन द फील्ड आपने ट्रैक्टर देखा होगा जो कि एक मोस्ट कॉमन मशीन है जो कि फील्ड में यूज की जाती है फार्मर यूज ऑल काइंड ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ईजियर फार्मर हर तरह की मशीनरी यूज करते हैं अपने काम को ईजी बनाने के लिए द टूल्स रिक्वायड इज कैरिंग आउट एक्टिविटीज इनवॉल्ड द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और जो टूल्स यूज किए जाते हैं इन सब एक्टिविटीज के लिए उनको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है सम ऑफ दम दीज इम्प्लीमेंट्स आर यूज विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक बुल्क्स एंड कैमल्स कुछ इम्प्लीमेंट्स एनिमल्स के हेल्प से यूज किए जाते हैं दीज डेज ट्रैक्टर्स एंड हारवेस्टर्स आर बींग यूज बाय मैन इन द वर्क और आजकल ट्रैक्टर हारवेस्टर यूज किए जाते हैं इनके प्लेस पे द प्लांट ग्रो इन लार्ज क्वान्टिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स जो लार्ज क्वांटिटी में उगते हैं उनको क्रॉप प्लांट्स कहते हैं सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड बिकम इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ये नेसेसरी है हमारे लिए फूड जो क्रॉप है इसका प्रोडक्शन करना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी पॉपुलेशन के फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस क्रॉप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर ओन यूज कई तरह की फसल उगाता है फार्मर सीरियल्स मीन्स अनाज होते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स uh, खुद के यूज के लिए और फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए भी बेचने के लिए भी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑप्टेन द क्रॉप्स आर क्लासीफाइड एज सीरियल्स पल्स ऑयल क्रॉप फाइबर क्रॉप एंड सो ऑन तो इनके जो यूजेज हैं इनके टाइप्स हैं उसके बेस पे इन्हें कई किया गया इन्हें कई कैटेगरीज में अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखते हैं हम सबसे पहले क्रॉप सीजन पढ़ेंगे हम वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ़ देयर लाइफ साइकिल बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं उनको डिफरेंट क्लाइमेट की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है टेम्परेचर की होती है ग्रोथ और कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशन एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर टू मैन क्रॉप्स सीजन इन अवर कंट्री टू सीजनस होते हैं हमारे मेनली हमारी कंट्रीज़ में दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स में देखिए कौन से आते हैं दीज आर सोन इन रेनी सीजन फ्राम मंथ ऑफ जून जो मई जून का मंथ होता है उसमें ये बोई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर और अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है काट लिया जाता है इन्हें फॉर एग्जांपल पेडी पीजियन पी जिसे अरहर कहते हैं मेज़ कॉटन सोयाबीन ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप्स ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स में क्या आता है दीज आर सोन इन विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल अक्टूबर में इन्हें बोया जाता है अप्रैल में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल वीट ग्राम पीज मस्टर्ड लाइन सीड ऑयल सीड एंड बार्ले आर रबी क्रॉप्स ये सारी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जो कि विंटर सीजन की क्रॉप होती है अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सीजंस पूछ लिए जाते हैं या तो क्रॉप्स के या फिर काइंड्स पूछ लिए जाते हैं कि क्रॉप्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप होती है एक जायद क्रॉप भी होती है जो कि खरीफ क्रॉप है इसके रबी क्रॉप है इन दोनों के बीच में बोई जाती है इनके बीच में जो टाइम बचता है टू मंथ का उसमें जो बोई जाती है उसे जायद क्रॉप कहते हैं उसमें सब्जियाँ फ्रूट्स जैसे वाटर मेलन मस्क मेलन कोकुम्बर वगैरह ये बोई जाती हैं तो वो भी पूछ लिया जाता है कई बार नेक्स्ट बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती हैं क्या क्या किया जाता है तो देखिए फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग द सीड इज़ इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल बीज बोने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल और इस ये जो हो प्रपरेशन होती है ये होती है सॉइल को टर्न करके और लूज करके द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लगिंग और इसे हम प्लगिंग कहते हैं जो हल से की जाती है प्लग से और टीलिंग टीलिंग भी कहा जाता है प्लगिंग हेल्प द साइल इन नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज प्लगिंग जो है ये सॉइल को कई तरीके से हेल्प करती है इट हैल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर यह सॉइल को लूज करती है जिससे कि सॉइल के अंदर ज़्यादा वाटर और एयर है उसके लिए स्पेस बन जाता है लूज सॉयल आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ़ अर्थवॉर्म इसमें अर्थवॉर्म जो केचुए होते हैं उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए सॉइल की फ़र्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड माइक्रोब्स विच आर मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी भी ग्रोथ बढ़ती है लूज सॉयल में इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर्स इन द लूज सॉयल और फर्टिलाइजर मैन्योर भी इसमें ऐड करना ईजी होता है इट एरेकेट्स द सॉइल द रूट्स कैन द्रीथ ईजीली और लूज सॉयल में जो रूट्स uh, होती हैं सॉइल की सॉरी प्लांट्स की वो ईजीली ब्रीथ कर पाती हैं इट हेल्प्स इन ईजी पेनीट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग्स और जल्दी ही जो सीडलिंग्स होती हैं बीज होते हैं उनमें रूट्स हैं वो ग्रोथ कर पाती हैं उसका पेनट्रेशन हो पाता है सॉइल के अंदर लूज सॉयल में न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज़ ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल सो द कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो लोअर लेवल्स में जो नीचे की परत होती है उसमें पाई जाती है तो जब हम इसको लूज़ करते हैं टर्न करते हैं टिलिंग के थ्रू या प्लगिंग के थ्रू तब ये सॉइल जो है वो टर्न होने के बाद में जो रिच सॉइल है न्यूट्रिएंट्स वाली वो ऊपर आ जाती है इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अप्रूटिंग देम और ये हेल्प करती है वीड्स को अपरूट करने में उखाड़ने में वीड्स क्या होते हैं जो कि अनावश्यक पौधे होते हैं जो कि घास कहते हैं जिसे हम उसे अप्रूट करने में हेल्प करती है हाउ इज प्लगिंग और टीलिंग डन दिस इज डन बाई यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लग हो और कल्टिवेटर इवन आफ्टर प्लगिंग दॉयल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कोल्ड क्रम्स प्लगिंग के बाद में भी जो लार्ज uh, पीसेस होते हैं सॉइल के जिन्हें क्रम्स कहा जाता है वो रह जाते हैं दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ अ प्लांक कॉल्ड लेवलर और ये एक लेवलर होता है उससे इन्हें ब्रोक किए जाते हैं तोड़े जाते हैं टुकड़ों को लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड एंड सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन परपज़ और जो लेवलिंग है सॉइल की ये सोइंग के लिए भी और इरिगेशन परपज़ सिंचाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है इरिगेशन में जो लेवल सॉइल होती है उसमें इरिगेशन अच्छे से हो पाती है ये देखिए प्लग है आप सभी ने देखा होगा इसका पिक्चर दे रखी है इसकी इसमें प्लग शेफ्ट है और प्लग शेयर है ये इसके पार्ट्स हैं प्लग हो कल्टिवेटर एंड लेवलर प्लग इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर रिपेयरिंग दॉयल इट इज़ ड्रॉन बाय ऑक्सन प्लग जो है इसको ड्रॉन करने का काम खींचने का काम ऑक्स करते हैं एंड इज इट हैज़ वेज शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ वुड इसमें वुड का एक ब्लॉक होता है वेज शेप का एंड दैट पेनीट्रेट्स द सॉयल टू मैक फरोज और ये सॉइल को पेनीट्रेट करने का काम करते हैं लूज करने का काम करते हैं प्लगिंग इज डन आइदर मैन्यली एनिमल्स और प्लगिंग जो है वो एनिमल्स के थ्रू भी की जाती है इन मैनी विलेजेज इवन नाओ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लगिंग इज प्रवेज वेर आज नाओ द मॉडर्न टेक्निक ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो यूजड फॉर प्लगिंग तो कहीं पर आज भी ये प्रिवलेंट है प्रचलित है कुछ विलेज में और जो मोस्टली विलेज हैं वहाँ पर मॉडर्न टेक्नीक यूज की जाती है प्लग के लिए ट्रैक्टर यूज किया जाता है नेक्स्ट अ प्लग सर्वस मैनी पर्पज़ेज़ ऑफ टीलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइज़र्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग वीड्स कई पर्पज़ हैं कई उद्देश्य हैं उसके लिए की जाती है प्लगिंग जिससे कि सॉइल ऐड की जाती है टीलिंग भी हो जाती है और वीड्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं दिस इम्प्लीमेंट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स ये दो बुल्स के द्वारा ड्रॉन किया जाता है और अदर एनिमल्स लाइक कैमल्स और हॉर्स द प्लग इज लाइक नाइफ एक नाइफ की तरह चाकू की तरह होता है दैट कट्स द सॉइल द नाइफ़ इज कर्व्ड सो इट टर्न्स ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग और ये साथ में ही कर्व शेप का होता है जिसके कारण ये सॉइल को कटिंग करने के बाद में टर्न भी करता है हो इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स इट कंजिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ऑफ रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन अ बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्सड टू वन ऑफ इट्स एंड दिस इज एक्ट एज नाइफ इट इज ऑल्सो ड्राइवन बाय एनिमल्स ये देखिए हो की जो पिक्चर है यहाँ दे रखी है इसमें ये बेंट प्लेट ग्रीब हैंडल बीम रॉड ये सारी चीज़ें होती हैं और ये भी जो है ये एनिमल्स के द्वारा ही ड्रॉन किया जाता है और अभी न्यू टेक्निक में ट्रैक्टर के द्वारा होता है कल्टीवेटर दीज डेज इन लार्ज फील्ड्स प्लगिंग इज़ डन बाय कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स अभी जो फील्ड्स हैं उनमें प्लगिंग कल्टीवेटर के थ्रू होती है जो कि ट्रैक्टर्स के द्वारा ड्राइवन किए जाते हैं इट सेव्स टाइम एंड लेबर और ये टाइम और लेबर दोनों को बचाते हैं लेवलर इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुड प्लानक विच कैन ऑल्सो बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और अ ट्रैक्टर और लेवलर जो होता है ये देखिए इस तरीके का वुड प्लांक होता है लकड़ी का एक प्लानक होता है जिसे कि कोई भी एनिमल या फिर ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइवन किया जाता है इस वीडियो में मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हमारे सेकेंड टॉपिक है सोइंग ऑफ सीड और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है पास में उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगी ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग